नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 8 जनवरी 2020, और यहां पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 9 जनवरी 2020 के लिए। दोस्तों कल एक्सपायरी का भी डे है, तो वीकली एक्सपायरी, इस बात को भी ध्यान में रखें और संभल कर ट्रेड करें। तो चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं कि कल हमारे लिए क्या लेवल निकल के आता है। आज की जो ओपनिंग है, सबसे पहले कैंडल को देख लेते हैं हम लोग। जो आज की ओपनिंग है इसकी और जो लो लगाया है, लगभग लगभग दोनों आसपास है, इक्वल के आसपास में चल रहा है ओपन और लो। यानी कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो बिल्कुल ओपन और लो जो है कहीं ना कहीं आसपास बिल्कुल चल रहा था, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका जो प्राइस है हमारे पास, ओपन प्राइस अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो ओपनिंग प्राइस हुई थी दोस्तों 11,939 के आसपास में, और इस ये ओपन प्राइस है, ध्यान रखिए ये ओपन प्राइस है। पहले हम लोग कैंडल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी एनालिसिस करते हैं। और इसके लो प्राइस जो है वो लगभग 11,929 के आसपास है, 10 पॉइंट का डिफरेंस था ओपन इक्वल टू लो में। तो ये लगभग लगभग आसपास ही है, इक्वल ही हुआ, ये मान के चल रहे। उसके बाद से देखिए इंडेक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा, और फिर अंत में उस लेवल को टेस्ट करने में ये कामयाब हो गया जहां पर से बात हो रही थी कि कम से कम इस लेवल यानी कि 12,020 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए, कम से कम 12,020 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और वो 12,020 इसलिए बोला जा रहा था, कल मैं जो बोल रहा था कि उसके नीचे वो कमजोर हो जाएगा, उसके ऊपर आने के बाद वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और खासकर 12,050 के ऊपर अगर ये क्लोज करता तो और सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन 12,020 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है उसके लिए, क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ से निफ्टी एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, फिर यहाँ से एक लो बनाने के बाद नीचे आया था, उस लेवल को, ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 12,020 के आसपास का आ रहा है। वापस से दोबारा से इसने हाई बनाया था 12,020 का, फिर वहीं से गिर गया ये नीचे, और फिर उसको जब ब्रेक करता है तब जाके ये ऊपर की साइड में जाता है। यानी कि कुल मिला के 12,020 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल के रूप में निफ्टी में काम कर रहा है। अब आज की जो क्लोजिंग है वो है 12,025 के आसपास, यानी वही 12,020 के आसपास में हाई लगा है 12,044.95, यानी कि 12,045 का। तो हाई और क्लोज की बात कर लें, 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं क्या, 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो भी अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अब कल बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की, ठीक है, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अगर ये कल 12,000 अगर ये ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ये कल यानी कि टुमारो की बात करेंगे, टुमारो की अगर ये कल 12,045 12,050 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक पॉजिटिव साइन बनेगा। फिर क्या बनेगा, ये एक पॉजिटिव सिग्नल बनेगा बाइंग कंडीशन के लिए। और कल एक्सपायरी भी है, कल याद रखिए वीकली एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है। तो अगर ये 12,045 12,050 को कल अपर साइड में ब्रेक करता है, मान लेता हूँ कल अगर ये ब्रेक करता है, तो अब वो ऊपर वाले एक जो रेंज है वो लगभग 12,100 और 12,150 का एक रेंज आता है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी कल 12,045 और 12,050 के ऊपर निकलता है तो 12,100 और 12,150 के पास जाने की कोशिश कर सकता है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी कल ओपन ही गैप अप हो जाता है, सपोज कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, जैसे आज गैप डाउन ओपन हो गया तो कल गैप अप भी ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये गैप अप ओपन होने के बाद ओपन हो गया है लगभग मान लेता हूँ 12,150 के पास, तो वहां पर बाइंग नहीं बनाना है हम लोगों को, उसके पास बाइंग नहीं बनाना है, उसके पास हमें बाइंग बिल्कुल नहीं बनाना है, बल्कि हमें वेट करना है। फिर हमारा यहाँ पर क्या करना होगा, हमको वेट करना होगा। वेट किस बात का करना होगा कि निफ्टी 12,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है या निफ्टी 12,150 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी 12,150 के नीचे आ रहा है तो शॉर्ट का पोजीशन बनेगा, यानी कि शॉर्ट सेल का पोजीशन बनेगा, और फिर टारगेट खुल के आएगा कितना, 12,100 का एक टारगेट होगा, सॉरी 100 का एक टारगेट होगा पहला, ये 12,100 का टारगेट होगा, दूसरा टारगेट कौन सा होगा, 12,050 का, ठीक है। यानी अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद 12,150 के पास ओपन हो जाता है और वहां से नीचे आता है तो हमें शॉर्ट का पोजीशन बनाना है सेल का 12,100 के लिए और 12,050 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर निफ्टी 15 से 20 मिनट 12,150 के ऊपर ट्रेड कर जाता है, मान लेता हूं एक मिनट, अगर निफ्टी 12,150 के ऊपर ट्रेड कर जाता है 12,150 के ऊपर 15 से 20 मिनट सस्टेन कर जाता है और अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो वो फिर कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, वो अपने प्रीवियस हाई लगभग 12,250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 12,250 का जो प्रीवियस था और 290 का, उस हाई को वो टेस्ट करने की
कोशिश करेगा कितना को 12,250 और 12,290 का, ठीक है, 12,290 का इसको टेस्ट करने की वो कोशिश करेगा। जब निफ्टी इसके ऊपर निकलता है 12,150 के ऊपर, तब अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर 12,100 का एक लेवल दिखाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने बताया आपको 12,100 का एक लेवल दिखाएगा और दूसरा लेवल क्या दिखाएगा 12,050 का। अब मान लेता हूँ निफ्टी वापस से कल गैप डाउन ओपन हो जाता है या नीचे ओपन हो जाता है, 12,000 के नीचे ओपन होता है, तो वहाँ अगर ये 12,000 आज की क्लोजिंग है 12,025 का, इस बात को आप ध्यान रखें, 12,025 की क्लोजिंग है, ये वाला आप लाइन देखें ध्यान से, तो 12,025 के पास क्लोजिंग है। अब निफ्टी ओपन ही हो जाता है मान लेता हूँ 12,000 के पास में, अगर ये 12,000 के पास ओपन होता है, ठीक है, अगर 12,000 के पास ओपन होता है तो वहाँ पर से अब हमारे लिए दो कंडीशन तैयार होगा कि अगर ये अपना प्रीवियस क्लोज को यानी कि 12,025 को अगर ब्रेक करता है तब तो बाय का कंडीशन बनेगा, ठीक है। ओपन होता है 12,000 पर, हमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है, 12,000 पर ओपन हो गया, होने दीजिए। अगर वो 12,025 को ब्रेक कर रहा है तो बाय का कंडीशन बनेगा, फिर टारगेट वहां से ज्यादा नहीं, 20 से 25 पॉइंट का एक टारगेट मिलेगा 12,050 का, और दूसरा टारगेट आपको 12,100 का एक देखने को दूसरा टारगेट मिलेगा, तब वहां से कुल मिला के 70 से 80 पॉइंट का एक रैली आएगा। लेकिन अगर ये 12,000 पे ओपन होता है निफ्टी और वो फिर नीचे आ जाता है 11,980 आ जाता है, 90 आ जाता है, तो शॉर्ट का पोजीशन बनेगा वापस से 11,950 के लिए और 11,920 के लिए, इस लेवल के लिए एक शॉर्ट का पोजीशन बनेगा निफ्टी में। तो ये निफ्टी इंडेक्स का दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे एनालिसिस है। और अब इसके कंडीशन पे चल के हम जरा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो मुझे लगता है निफ्टी पे जो मेरा व्यू है वो निगेटिव व्यू मेरा अभी फिलहाल तो निफ्टी पे नहीं है। निगेटिव व्यू मेरा जब तक ये 11,800 को, मैंने कल भी अपने इस वीडियो में बोला था, जब तक ये 11,800 को ब्रेक नहीं करेगा मेरे लिए निफ्टी पॉजिटिव है हमेशा। इसके ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा पॉजिटिव, मैं मान के चलूंगा कि इसके ऊपर जब तक है निफ्टी पॉजिटिव है, इसके नीचे जाएगा तो फिर वो निगेटिव होगा, अदरवाइज वो निगेटिव नहीं होगा। यानी कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 11,800 का, ये जब ब्रेक हो जाएगा तब डाउन ट्रेंड में मान के चलूंगा, जब तक इसके ऊपर है मेरे लिए निफ्टी पॉजिटिव ही है। तो ये हुआ निफ्टी पे मेरा व्यू दोस्तों। इंट्राडे का भी लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को याद रखें। इसी कंडीशन में हम लोग जरा निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। चल अब आइए बैंक निफ्टी पे हम लोग आते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले देख लीजिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो ओपन प्राइस है वो 30,995 के आसपास का है, मतलब 31,000 आप मान के लेके चल सकते हैं, और लो प्राइस है 30,899 यानी कि 900 के आसपास का, 100 पॉइंट का डिफरेंस पे ये ओपन हुआ है, 100 पॉइंट का ओपन लो में डिफरेंस है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अब वहीं से फिर निफ्टी अपर साइड का स्टार्ट किया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो मैंने कल कहा था कि कम से कम 31,000 के नीचे इसको ब्रेक नहीं करे, अगर ये 31,000 के नीचे ब्रेक कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकता है ना। 31,000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए इसको, अगर ये 31,000 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। लेकिन क्लोजिंग अच्छा किया, 31,373 पर क्लोजिंग किया है, हालांकि इंट्राडे में 31,000 के लेवल को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वहीं से बाइंग आई और बाइंग आने के बाद क्लोजिंग किया है 31,373 पे और हाई लगाया है 31,450 के आसपास में। ये एक खूबसूरती बात है, इसमें अच्छी बात है। अब आपको इसमें कल हम लोगों को क्या करना है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि कल अगर हमें इसमें एंट्री लेना है तो किस लेवल पे करें। तो कुल मिला के वही बात आ गया कि 31,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे जो इसमें नजर आ रहा है 31,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके लेवल देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सपोर्ट नोट पहले नोट कर लेते हैं सारे चीजों को, है ना, ये कर लिया नोट। इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है ना, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 31,000 का है क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो अगर बड़ी लग रही है तो सॉरी उसके लिए, ये क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको नीचे क्लोज करेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर मैं मान के चलूंगा कि अगर ये 31,000 के नीचे क्लोज कर देता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर ये आपको बहुत तेजी से नीचे आते हुए भी दिख सकता है, 29,000 30,000 ये सारे लेवल वो बात की, लेकिन पहले 31,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब अगर कल अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलता है तो आज का हाई कितना है, 31,450 है,
ठीक है। अब आज के हाई के ऊपर अगर कल ये निकलता है, सपोज ये ओपन हो जाता है 31,500 पे ओपन हो जाता है, चूंकि 50 पॉइंट का डिफरेंस है, 31,451 450 में 31,500, तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मान लेता हूँ ये कल 31,500 के ऊपर ओपन हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि कल ये 31,500 के ऊपर ओपन हो गया, तो ये एक बार ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा दोस्तों 31,700 के लेवल को, यानी कि मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि कल अगर ये 31,500 के ऊपर ओपन होता है तो 31,700 के एक लेवल दिखाएगा यहाँ पर, तो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल को नोट कर लेना चाहिए, उससे याद लिखने से याद रहता है। मेरा हमेशा मानना रहता है कि जब आप कोई चीज़ों को लिखते हैं ना तो वो याद हो जाता है। अगर वो ब्रेक करता है, अगर वो ब्रेक करता है 31,500 को अपर साइड में, अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 31,700 का एक लेवल आपको दिखा सकता है, 31,700 का एक लेवल आपको इंट्राडे में बेस पे दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो इस कैंडल को और इस क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए, ये क्लोजिंग देखिए कितना है 31,373 का, इसको याद रखिए। तो 31,700 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 31,700 का एक लेवल दिखा सकता है। अब मान लेते हैं कि कल कल सपोज ये गैप अप ओपन हो गया, 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया और इसी लेवल पे ओपन हो गया, 31,700 के पास ही ओपन हो गया, फिर क्या कर सकते हैं? फिर हमें वहां पे वही ठीक निफ्टी वाला तरीका अपनाना होगा कि पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर निफ्टी यहाँ पे 31,700 के पास ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए तो पिछली बार यहाँ से ये गिरा था, ये बड़ी कैंडल देख रहे हैं ना, तो हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग आ जाए, यानी 31,700 के पास ही डायरेक्ट अगर ये ओपन होता है तो एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा वहां से, जो वापस इसको लेके आएगा 31,400 के पास में, 31,450 के पास में, अगर ये ओपन हो जाता है गैप अप की कंडीशन में बता रहा हूँ, तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। अगर ये गैप अप ओपन हो गया, सपोज अगर ये कल हम मान के चल रहे हैं कि ये कल ओपन हो गया, ये हमारा ओपन हो गया कल, ये मान के चल रहे हैं गैप अप के कंडीशन में, ठीक है, कि ये अगर 31,700 पे ओपन होता है तो हमको यहाँ शॉर्ट का पोजीशन बनाना होगा, कितने के टारगेट के लिए, कितने के टारगेट, 31,000 जो आज का क्लोजिंग किया है, 31,373 के आसपास का क्लोजिंग है, तो 31,400 के टारगेट के लिए, 31,450 और 31,400 के टारगेट के लिए हम एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक बार उसको टेस्ट करने के लिए वापस से वो आ जाए, ये गैप अप के कंडीशन में होगा। लेकिन मान लेता हूँ ये गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज ये गैप डाउन ओपन हो गया, क्लोजिंग क्या है 31,300 पे, क्लोजिंग क्या है 31,373 पे, ये क्लोजिंग है आज का, और ये कल ओपन हो जाता है, मान लेता हूँ गैप डाउन के कंडीशन में ये 31,000 पे ओपन हो जाता है, सपोज ये 300 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है, सपोज मान के चलते हैं इस बात को कि ये 300 पॉइंट गैप डाउन हो गया। तो आपको अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 31,000, यानी अगर वो 31,000 पर अगर ये ओपन होता है कल, तो यहां से क्या आएगी, बाइंग का कंडीशन बनेगा, बाइंग का कंडीशन बनेगा, फिर कितने टारगेट के लिए बाइंग का कंडीशन बनेगा, जो आज इसने पहले क्लोज किया है 31,350 राउंड फिगर में ले सकते हैं, दूसरा 31,450, वहां से एक बाइंग की कंडीशन बन सकती है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, अब इस बात को कि ये वहीं पर ओपन हो जाए जहां पे आज क्लोज हुआ है 31,350 के आसपास में ये ओपन हो जाए, फिर हमारे लिए एक कंडीशन क्या बनेगा कि हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर ये कल अपने प्रीवियस हाई को या क्लोज को अगर ब्रेक कर रहा है अपर साइड में, अगर प्रीवियस क्लोज को ब्रेक कर रहा है, यानी कि 31,375 को अगर अपर साइड में ये ब्रेक कर रहा है ट्रेड करते हुए, तो ये फिर एक टारगेट 31,450 और 31,500 का एक टारगेट देगा। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में, यहाँ पे क्लोज ओपन हो गया 31,350 और ये अगर नीचे की ट्रेड 31,300 की तरफ आने की कोशिश करता है, तो फिर सेल का पोजीशन बनेगा दोस्तों, और वो टारगेट हमारे पास कितना का आएगा, लगभग लगभग वापस से वो 31,000, यानी वहां से 350-300 पॉइंट का एक रैली आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में भी। तो ओवरऑल ये मेरा अपना व्यू है इसके ऊपर, एक व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, तो इसको भी हमेशा याद रखें, और इंट्राडे में जो कल एक्सपायरी का डे है तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे बताने समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और उम्मीद है मैंने सही जो लेवल लिखे हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।